वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। तो आज भी मैं आप लोग के लिए एक से एक न्यूज लेकर आया हूँ टिकटॉकर्स की तरफ से, यानी कि टीम 07 और दूसरे क्रिएटर्स। तो अगर आप लोग ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दो लाइक, तोड़ दो लाइक बटन को, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए ये रही आईडी कर लो, वहां पर भी मैं काफी अपडेट देते रहता हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस जो सबसे पहली स्टोरी आ रही है वो आ रही है अदनान 07 की तरफ से। और जैसे कि आप लोग को पता होगा, सद्दू काफी दिनों से टीम 07 के साथ दिखाई नहीं दे रहा है, ना ही ज्यादातर कोई स्टोरीज डाल रहा था। कल वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि सद्दू हसनैन से मिला, फाइनली उसने स्टोरी डाला, और आज के दिन अदनान ने स्टोरी डाली थी, वो भी सद्दू के लिए, क्योंकि उसके 3 मिलियन फॉलोअर्स कंप्लीट हो गए हैं इंस्टाग्राम पे। तो मतलब सब सही है, कुछ भी गड़बड़ नहीं है। आइए वो स्टोरी देखते हैं। बिलेटेड कांग्रेचुलेशन फॉर योर 3M सद्दू, थैंक यू। गाइस अगली शुरू आती है जुमाना खान और भाविन की तरफ से। कल वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि जुमाना खान की तरफ से कुछ तो स्पेशल आने वाला है, क्योंकि जुमाना खान ने खुद कहा था, और जैसे ही हमें पता चला मैंने आप लोगों को बता दिया था कि वो सॉन्ग ही हो सकते हैं, क्योंकि ये लोग टिकटॉकर्स हैं। जी हाँ, और ये बात सच निकली। ताके नैना इन लोग का न्यू सॉन्ग आ रहा है, पोस्टर आप लोग डिस्प्ले पर देख सकते हैं। क्या चाहते हैं ये लोग। गाइज अगली शुरू आती है पैसे 07 की तरफ से। और आप लोग को पता होगा कि जो मेरा सेकंड चैनल है एजाज लाइफस्टाइल, उसका नाम पहले बी योर सेल्फ था। जी हाँ, तो आज फैसू ने तुम्हारे भाई के बारे में बात की है। अबे साले। जी हाँ, यहाँ पर आप लोग डिस्प्ले पर देख सकते हैं, फोटो अपलोड किए है फैसू ने, नीचे लिखा है बी योर सेल्फ, डोंट वरी अबाउट वॉट अदर पीपल आर थिंकिंग ऑफ यू। जी हाँ फैसू भाई, मैं नहीं सोचता हूँ अब। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे। ये मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, वो उन्होंने कैप्शन डाले है, मेरे लिए नहीं है ये। गाइस अगली स्टोरी आती है फैज बलोच की तरफ से। और आज उनकी अम्मी का बर्थडे था, तो उन्होंने फोटो अपलोड करते हुए नीचे काफी कुछ लिखा है कैप्शन में, साथ ही साथ अभी 07 ने भी उस स्टोरी को रिपोस्ट किए थे। गाइस अगली स्टोरी आती है हमारे जोक्या की तरफ से। जी हाँ, और जोक्या के साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर महाजन और भाविन ये सब गए थे कहीं तो इवेंट या पार्टी शार्टी करने गए थे, और वहां पर ये लोग कोलैब वीडियोस बना रहे थे। आइए कुछ स्टोरीज देख लेते हैं। गाइस अगली स्टोरी आती है तुषार एंड पूरबी को लेके। मेरी आवाज देखो कैसी निकल रही है। तो हुआ कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज है ना, हुआ कुछ ऐसा कि ये दोनों ना अभी भी मतलब खतरनाक वीडियोस अपलोड कर रहे हैं टिकटॉक पे, मतलब ताने देना बोलते ना, मुझे ऐसा लगता है, बाकी आपका पता नहीं। आइए दो तीन स्टोरी देख लेते हैं, और हाँ कुछ स्पेशल आप लोगों के लिए आने वाला है, होपफुली। वेट फॉर सम टाइम। वो बुलाता है मगर जाने का नहीं, वो बुलाता है मगर जाने का नहीं। चेहरे से सुंदर है मगर झूठ बोलती है। तराजू मिले है पर्स में उसके, वो दिल लगाने से पहले दौलत तोलती है। अगली स्टोरी राधिका की तरफ से। तो यहाँ पर उसने स्टोरी अपलोड करते हुए कहा, शूट वीडियो विद समवन लेजेंडरी टुडे, गेस वो। तो देखते हैं भाई कौन है वो, तो आने के बाद ही पता चलेगा ना, ऐसे कैसे बता दे। अगली स्टोरी रियाज की तरफ से। तो यहाँ पर रियाज ने कोलैब किया है नेहा के साथ, आप लोग डिस्प्ले पर देख सकते हैं, साथ ही साथ मैं आप लोग को नेहा की इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी दिखा रहा हूँ। अगली स्टोरी है सोम्या की तरफ से। और यहाँ पर सोम्या का फर्स्ट पेपर था HSC का, तो उसके बाद यहाँ पर डॉल ने कुछ स्टोरीज अपलोड की है, आइए देखते हैं। How was your paper? टेंशन मत दे यार बिचारी को। कैसा था पेपर पहला? टेंशन मत दे। व्हाइट कलर का था बोलना। व्हाइट कलर का था और उसमें काले काले लाइन थे। दिल वाले पूछ देने चा। मेरे एग्जाम में तो ग्रीन पेपर रहते हैं। और कितना लिखा? A4 साइज का था, मैंने इतना लिखा रहेगा। जिसके बारे में डिटेल सही में नहीं पता, जिसको जो लोग को पता होगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। विशाल के हो गए हैं 1 मिलियन फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे, तो दोनों को बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। बस गाइस आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है, वीडियो पसंद है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, मिलते हैं अच्छी वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज बहुत फास्ट बोला। Bye. Slap.